नमस्कार जी, नमस्कार। मैं आपकी बात को भी और इनिशिएट करने वाले की बात को भी सुन रहा था। बहुत सार्थक बहस चल रही है और हम एक ऐसे समय में और ऐसी परिस्थितियों में हम इस बहस को कर रहे हैं। इस पैंडेमिक ने जो राइट टू एजुकेशन का मूल जो प्रश्न था, आज लग रहा है कि जो रूलिंग क्लास है, प्रिविलेज क्लास है, उसको लग रहा है इस पैंडेमिक ने उनको पुरानी स्थिति को लौटने के लिए विवश कर दिया है। और ये दौर ऐसा है कि लाखों करोड़ों बच्चे विशेषकर वंचित समुदाय से हैं, मार्जिनाइज क्लास से हैं, वो शिक्षा के मूल मंत्र से गायब हो गए। इस पिछले 2 सालों में मैं समझ रहा हूँ, मैं भी गांव में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, बच्चों की मेमोरी लॉस होगी जो उन्होंने 1 साल में स्कूली एजुकेशन के माध्यम से 2 सालों में सीखा होगा। अब उनको क्या कहते हैं, उसको दोबारा रिवाइव करने के लिए भी 1 साल और चाहिए होगा। बड़ी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जब नई तथाकथित राइट टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आ रही है, इस समय जो गरीब है, जो वंचित है, उनकी शिक्षा विशेषकर विद्यालय शिक्षा में जो असर पड़ रहा है वो बहुत चिंताजनक भी है। हम एक पुरानी ओर लौट रहे हैं कि जहाँ गरीब के तबके को, मार्जिनाइज तबके को शिक्षा से वंचित करने का हमारा समाज का वैसे ही बड़ा मैकेनिज्म है। हिंदुस्तानी समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर है, इसमें मुझे बहुत संभावना भी नहीं लगती है जब तक आप इस तरह से कि राइट टू एजुकेशन का एक सामाजिक आंदोलन का ये जो मुद्दा है आम समाज तक नहीं जाए कि अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक, एक समतापूर्ण समाज की रचना नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी असमानतापूर्ण समाज में एक समतापूर्ण समाज की कल्पना नहीं कर सकता। और शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है। और इन पिछले 2 सालों में जो पेंडेमिक के इस दौर में ही हमने गरीब तबकों के और जो डिजिटल डिवाइड के नाम से ऐसा हो चुका है, सरकारें कह रही है कि हमने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से स्कूली शिक्षा को हम जारी रख रहे हैं। 2 कारण है, डिजिटल शिक्षा के दौर में ऑनलाइन शिक्षा एक लिमिटेड क्लास के लोगों को मिल रही है, बच्चों को मिल रही है, विद्यालयों में भी हो रहा है। अधिकांश ग्रामीण भारत है, अधिकांश कमजोर तबके के लोग हैं, अधिकांश जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो क्या कहते हैं इस शिक्षा के इस दौर में शिक्षा से वंचित होने की स्थिति में जा रही। दूसरी ओर जहां भी आपका सो कॉल्ड ये डिजिटल का नेट इंटरनेट है वो भी इतना सफल नहीं है ना किसी, इसके बारे में भी सरकार ने अभी तक समय समय में मांग रही हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा को चलाने के लिए जो गरीब बच्चे परिवार है उनको किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा से आप जोड़ोगे, क्या सरकारों ने कोई प्लान बनाया भारत सरकार ने, उस पर भी सरकारें चुप है, सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा पर जोर हो रहा है। दूसरी जो बात आपने कही भी थी आपके उसमें भी मैं उनके देख रहा था, शिक्षा के में राइट टू एजुकेशन तो लागू है लेकिन आरटीए एक्ट को भी किसी न किसी रूप में शिक्षक और जो छात्रों का रेशियो है वो स्टेट के हिसाब से पूरा हो जाता होगा, लेकिन अधिकांश स्कूल में अगर हम स्कूलों में एक स्कूल में बच्चों और शिक्षक का रेशियो निकालेंगे आज भी वो लगभग 80% स्कूलों में अधिकांश स्कूल एक स्कूल के माध्यम एक टीचर के माध्यम से देश में ग्रामीण अंचलों में चल रहे हैं। शिक्षा का जो नया मॉडल आ गया पूरे देश में, वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या हर क्षेत्र में जो सो कॉल्ड पीपीपी मोड का जो मॉडल है वो भी शिक्षा को गरीब तबकों से दूर ले जा रहा है, इस पर भी चिंतन की जरूरत है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का ये शिक्षा एक सार्वभौमिक है, ये राज्य के का अपना कर्तव्य ड्यूटी है, इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले नहीं किया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर के हवाले का मतलब है आप समाज के कमजोर बच्चों को अच्छी और निःशुल्क शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, तो इस पर भी बहस करने की जरूरत है। शिक्षा के बजट को किस तरह से खर्चा किया, कहाँ पर खर्चा किया, किन लोगों पे किया जाए, इस पर भी बहुत है कि स्कूली जो बिल्डिंगों में तमाम तरह की चीज, शिक्षा सिर्फ स्कूल नहीं है, उसके अंदर बहुत सी अन्य करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस वक्त जो राइट टू एजुकेशन बहुत सी चीजें थी उसको पूरी तरह से, चाहे उसका असेसमेंट है उसमें भी देरी है, लेकिन बहस सार्थक है, हम भी कोशिश करेंगे। और 2-3 एक चीज है कि कभी भी जो पार्लियामेंट्स के हमारे एक तो जावेद साहब ने बात तो सही की कि जिस समय
संसद का सत्र शुरू होने वाला हो, एक दो दिन के अंदर उसमें बहस अगर लोगों के साथ बैठे कर ली जाए, लेकिन उसके बाद भी पहले भी अगर जो एक्टिव इस तरह के आपके पास लिस्ट में है, कुछ जागरूक सांसद हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं, उनसे पहले अगर आप एक महीने पहले अगर इन सवालों पर जो आपने लोगों के बीच में जाकर इशू आए हैं उन सवाल पर बैठक कर ली जाए तो हमको भी ये क्या कहते हैं बहुत सी मदद मिल जाएगी। एक महीने पहले अगर जानकारी हुई अगले सत्र में किन किन मुद्दों पर हम उठाए हैं, क्योंकि आप ही हमारे माध्यम हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं उन उन बिंदुओं को जिस पर हमको इम्पेसिस करना है। जनप्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी का ये जो तारतम्य है कि ये दोनों सोर्स ऑफ एक नॉलेज के सोर्स हैं, लोगों की स्थितियों के सोर्स हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन अगर संसद के बैठने से एक महीने पहले भी जाए तो उन बहुत से बिंदुओं को उठाने में जो आवश्यक है हमको मदद मिल जाएगी। हम उसके हिसाब से अपनी आगे तैयारी भी कर लेंगे, लेकिन बहुत कठिन दौर में हम लोग हैं और इस समय हम सबको, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में बच्चे स्कूल जाएंगे भी एक सवाल भी आ रहा है, वैक्सीनेशन का सभी सवाल है कि बच्चों के अंदर उनके पेरेंट्स के अंदर भी हमारे बच्चे क्या सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो कोरोना के फैक्टर से क्या होगा है। दुनिया के अंदर जो अमेरिका में भी शुरू में जब स्कूल खोले गए थे तो वहां से भी आए थे कि कोरोना आगे बढ़ा है, वो कैरियर जैसे बन गए थे, तो उन लोगों ने तो वहां पर 10 साल से 18 के बीच को वैक्सीनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया। हमारे वहां अभी भी बात चल रही है कि सितंबर अक्टूबर तक हम इस स्थिति में होंगे कि हम बच्चों के वैक्सीनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। अभी तो वैसे ही 18 से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन के उसमें ही हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बच्चों को के संदर्भ में वैक्सीनेशन का सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, को भी उठाने की जरूरत है। भारत सरकार को इसमें समझना भी पड़ेगा कि ये जो गरीब परिवारों के बच्चे जो स्कूलों में आएंगे उन स्कूल में किसी तरह की बहुत ज्यादा स्थितियां भी नहीं है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, पानी नहीं है, वहां पर सफाई की बहुत से वो साधन नहीं है जिनसे बच्चे सुरक्षित हैं, तो इन सवालों पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी मैं अपने साथी को अमरीश जी को भी नमन करता हूँ। पहले जब बैठ कोरोना से पूर्व काल में वहीं दिल्ली के अंदर ही जब आप लोगों ने इस सवाल पर एजुकेशन सवाल पर एक मीट की थी, वहाँ भी मिले थे, ऐसे एकदम अचानक इस दौर में उनका जाना भी इस आंदोलन के लिए हम सब लोगों के लिए भी एक बहुत ही अमूल्य क्षति है जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा, उनको भी मैं नमन करता हूँ। मैं आपके इस प्रयास को बहुत बहुत सार्थक भी मानता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आज स्कूल के इस दौर में स्कूलों के निजीकरण का सवाल है, स्कूलों के अंदर जो वैज्ञानिक शिक्षा होनी चाहिए उसकी जगह दूसरी तरह की शिक्षाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, धार्मिक उन्माद जाति उन्माद के प्रश्न पर कोई रेशनलिटी ना हो करके इन सवालों पर जो बच्चे का मासूम मस्तिष्क होता है उस पर हम रेशनल थिंकिंग की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, उसको समझा नहीं पा रहे हैं, तो बहुत से सवाल है इस पर भी। आखिर शिक्षा कैसी हो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, और बेसिक प्राइमरी का जो विद्यालय है जो स्कूली शिक्षा है वही आने वाले देश के नागरिक को बनाने पर महत्वपूर्ण होता है। इस सवाल पर भी कैसी शिक्षा होनी चाहिए जो हमारे संविधान के मूल मंत्र हैं, क्या उनकी हम जो सामाजिक समता का जो सामाजिक न्याय का जो सवाल था, लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल था, एक रेशनल एजुकेशन का सवाल था, अंधविश्वास से दूर बच्चों को रेशनलिटी की ओर ले जाने का सवाल था, इन बिंदुओं पर भी शिक्षक साथियों के साथ भी बातचीत करने की जरूरत है। मैं आप सबको यही कह करके कि इस कठिन दौर में ये जो मीट की इसका भी फायदा होगा, और मेरे से जो भी सक्षम होगा, रवि जी हमारे पूर्व साथी वो भी इस बहस में है काफी सक्रिय रहे हैं एजुकेशन के सवाल पर, राज्यसभा में मैंने उनको देखा भी था समाज के बाद, तो हम सब लोग मिल करके जिसमें पूर्व और वर्तमान है और आप लोग मिल करके एक नई रणनीति के लिए भी विचार कर सकते हैं, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। और आप लोगों को बहुत बहुत इसके लिए हार्दिक बधाई भी देता हूं कि ये जो फोरम है ये फोरम बहुत से बड़े आंदोलन, ये दिखता नहीं होगा लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन जो भारतीय समाज में एक नई तरह के विचारों को पुष्ट करेगा। जी बहुत 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 धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, हम लोग इसके ऊपर गौर करेंगे और हम लोग निश्चय ही अगला
अगली जो मीटिंग करेंगे वो पार्लियामेंट के सत्र के शुरू होने के प्रारंभ में ही होगा, और हम चाहते हैं कि जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको ठीक से उनके ऊपर विचार किया जाए, केवल दो तीन आदमी भाषण देके चले जाए ऐसा ना हो। तो ये मोड कैसे अपनाया जा सकता है इसकी भी हम आपसे सलाह लेके इसकी चेष्टा करें। थैंक यू, धन्यवाद।